हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली कॉमेडी। सो इस वीडियो में यहाँ पर बात करने वाले हैं क्रूएल के 22 जो ऑगस्ट फ्यूचर्स यहाँ पर करेंटली मार्केट में किसे चल रहे हैं, और यहाँ पर मैंने जिस तरह से आपको इंटरनेट टारगेट बताया था वो यहाँ पर कल का अचीव हुआ है या नहीं, उसके ऊपर सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते कि कल के जो टारगेट्स थे वो अचीव हुए हैं या नहीं। तो सबसे पहले देख लीजिए कि जो यहाँ पर हमने टारगेट इट इज 7900 के ऊपर एक अच्छा सा जो है यहाँ पर हमें बाइंग रेंज देखने को मिल रहा था, जो कि यहाँ पर जो है ब्रेक होते हुए देखने को नहीं मिला है। बट उसके साथ साथ में यहाँ पर आपको जो है पता होना चाहिए कि मॉर्निंग सेशन से एक अच्छा सा कंसोलिडेशन फेज जो है यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा था, और यहाँ पर जिस तरह से ब्रेकआउट देखने को मिला आफ्टर दैट, यहाँ पर जो इंटरडे टारगेट्स होते हैं अपसाइड के अंदर वो काफ़ी अच्छी तरीके से ब्रेक होते हुए देखने को मिले हैं। मॉर्निंग से लेकर अभी तक की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कल के सेशन के लिए, तो 7570 का एक बेहतरीन सपोर्ट लेवल यहाँ पर हमें देखने को मिला है। तो ये तो बात हो गई कल के सेशन के लिए। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं आज के सेशन के लिए क्या इंटरडे ट्रेड बनाया जा सकता है। सो फॉर अ टाइम बिंग यहाँ पर एक अच्छा सा बेहतरीन लेवल 7900 के ऊपर अगर यहाँ पर क्रूड ऑयल जाता है तो एक अच्छी खासी तेज़ी यहाँ पर हमें फिर से देखने को मिल सकती है। एंड अगेन फॉर गोइंग शॉर्ट इन क्रूड ऑयल फ्यूचर्स वी विल वेट फॉर दिस प्राइस लेवल टू ब्रेक, दैट इज 7760 का जो प्राइस लेवल है वो अगर यहाँ पर ब्रेक होता है डाउन साइड के अंदर तो ही हमें यहाँ पर जो है शॉर्ट पोजीशन के ऊपर फोकस करना चाहिए। उसके अलावा आई डोंट थिंक कि यहाँ पर कोई शॉर्ट पोजीशन की कोई रिक्वायरमेंट है या फिर कोई अग्रेसिव तरीके से जो है यहाँ पर हमें शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए। ये तो बात है कोई सपोर्ट लेवल रेजिस्टेंस लेवल की और कौन से लेवल पे एंट्री एग्जिट शॉर्ट पोजीशन लॉन्ग पोजीशन बनानी है उसके बारे में। अब हम देख लेते हैं आरएसआई दैट इज रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स देखते हैं, तो थोड़ा बहुत डाउनवर्ड ट्रेंड यहाँ पर हमें जरूर फॉलो अप होते हुए देखने को मिल रहा है। सो अगर ये कंटिन्यू करता है तो 7760 से जो है एक अच्छी खासी शॉर्ट पोजीशन जो है बनाई जा सकती है शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए। एमएचडी ने जिस तरह से क्लोजिंग दी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई नया इंटीमेशन देखने को नहीं मिला है, बट फॉर अ टाइम बिंग यहाँ पर अभी भी कोई कन्फ्यूजन मोड है। सो यहाँ पर ये जो सीन है वो यहाँ पर हमें आज के सेशन के लिए देखने को मिल सकता है कि किस तरह का मोमेंटम देखने को मिलता है विद द कैंडल्स एंड विद द हेल्प ऑफ आरएसआई वी विल लुक टुवर्ड्स एमएसईडी एंड ट्रेड बनाया जा सकता है। सो होप करता हूँ कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा एज वेल एज ट्रेडिंग पर्पज से मददगार रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और माई चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।